क्योंकि बहुत ज़्यादा हिटअप उसमें से निकला है, उसकी वजह से अपने अवसान बिल्कुल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। सर ये जो हादसा हुआ है बता रहे हैं लोग कि हमने आप खुद बजाइए देर से आइए यहाँ पर जो इस तरह क्या रास्ते में फतेहपुर में हमने कंट्रोल लगाया है, उन्होंने नहीं दिया था, ट्रैफिक जाम था, दो आदमी हमारे सिपाही आगे आगे भाग रहे थे, लट लेके बड़ी मुश्किल रास्ता खुलवाएगा यहाँ तक पहुँचे, जितनी कोशिश हो हम मतलब कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान तो हुआ है। माली नुकसान पूरी तरीके से हो गया, जानी नुकसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है सबको बचाए रखा, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई चीज ब्लास्ट नहीं हुई। फायर ब्रिगेड वाले जब आए हैं तो इन्होंने हमें अपना रीजन बताया कि जी पतापुरी के ऊपर कटरा बलियान पर इतना जाम है कि हमको यहाँ पहुँचने के अंदर खुद हमें एहसास है कि जी हम बहुत लेट पहुँचे हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची तो आग मुकम्मल तौर पर बच्चों ने काबू कर लिया। ये जो हादसा हुआ है राजेश भाई क्या कहना चाहेंगे? ये सर ड्राइवर का कहना है कि ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ, गाड़ी करके स्टार्ट करके ले जा रहा था, इसमें स्टार्ट करते से अचानक आग लगी इसमें पार्किंग से। अच्छा फायर ब्रिगेड को बता रहे हैं फोन किया लेट, लेकिन उस वक्त आग काबू पा चुकी थी, बहुत जाम है यहाँ, जाम का मसला तो रहता ही है। हाँ तो बच्चों ने बता रहे हैं कि इलाके वालों ने मिलकर आग बुझाई, कोई नुकसान जानी तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हुआ है। तो उस वक्त हम लाल कुएं पर मौजूद हैं, आपको मालूम है यहाँ जो क्रिमिनल में आग लगी, इससे हादसे का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का ये कहना, हमने पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो लेट आए, जब उन्होंने आया तो ये बताया कि यहाँ पर जाम की वजह से हम नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन इलाके के बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर जो आग पूरी तरह से बुझा दी, लेकिन जानी माली नुकसान हुआ, जानी की यहाँ पर इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। जी सर आपका नाम? देखिए अचानक इसमें आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड को पुलिस को टेलीफोन किया गया, वो अपने को काफ़ी देर लिहाजा लोग इलाके के लोगों ने अपने बाल्टियों से खाने पीने के नालों में से घरों में से ले लेके ऊपर से घरों में से पहुँच गया। अब भाई आप जो है काफ़ी जिम्मेदार हैं आप? हाँ मैं RWA कटरा के कैन का प्रेसिडेंट हूँ। ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है रात रात भर के दिन भर खड़ी रहती है, अब इसमें क्या कहते हैं PNG वाली गाड़ी है, इसमें कुछ लीकेज हो गई होगी, उसकी वजह से आग लग गई और लड़कों ने यहाँ से हटाया। फायर ब्रिगेड को फोन करा तकरीबन 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई, अब तक तकरीबन छुट्टी चुकी थी। और अगर ये सिलेंडर इसको CNG वाला तो क्या हाल होगा? ये अगर फट जाता तो सारी ये टीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दूर दूर तक इसके टुकड़े जाते हैं और किसी के भी लग सकते थे, इसको लीकी जोड़ी थी उसकी वजह से निकलती रही, अगर लीकी नहीं हुई भी होती तो उसको फट सकता था सिलेंडर। देखिए इन लोगों का ये कहना है कि सर जानी को तो कोई नुकसान नहीं लेकिन माली नुकसान है, जाम की वजह से जो फायर ब्रिगेड देर से पहुंची थी, लेकिन आग पर काबू पा गया, इलाके के लोगों ने ऊपर से नीचे वाले पानी डालते, अगर उनका सिलेंडर फट जाता तो हादसे में कुछ और ही रुक होता, लेकिन अब आपका काबू पा गया है, जाम दिखाओ, जाम। देखिए किस तरह से बड़ी गाड़ी हो ये छोटी गाड़ी है सर, ये देखिए आप, अभी भी इसके बावजूद हादसा हो चुका है लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियों का आवन जावन जो है कम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ये गाड़ी जली हुई खड़ी है और इसके पीछे ये टेम्पू और ये जब आप छोटे हाथी टैर जिसको बोलते हैं ये आप देख सकते हैं आ रहे हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।